समोसा सर 35 रुपए का आलू का, 35 रुपए का एक जी। अरे 35 के दर्जन आते थे? नहीं 35 का नहीं, 30 रुपए का आलू का समोसा। चिकन एक बार ये कैमरा देख के रेट कम हो गए। एक शायर ने कहा है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा वो मेरी शालू। और यहाँ पे है बहुत चालू। गुटखा पार्टी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। गुटखा खाने वाली के मैयत में भी नहीं जाते अपन। अच्छा, खाने वाले हैं पान का जी हाँ, शाही चीजें खाते हैं भाई। अगर समोसे की कीमत कम करनी है तो अड्याला में घुसना है लोगों। बाकी आप इस हुकूमत से खुश है? ये आएगा जियो पे आएगा। कब आएगा? इंशाल्लाह संडे को, इतवार को आएगा। शैतान पाकिस्तान में बंद नहीं होता है, बाकी हर ममालिक में बंद हो जाता है। यहाँ पे बंद हो जाता है, यहाँ पे छोड़ देते हैं उन लोगों को। हुकूमत के बाद शहबाज शरीफ फ्रूट चाट का पतीला बनाए रोजाना बैठ के। मियाँ साहब सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मियाँ नवाज शरीफ साहब, हाँ हाँ, अल्लाह करे वो आएगा। वो आ तो गए अभी, कहा घर पे आए, आ तो गए मुल्क में। नवाज शरीफ गंजे को बोलो, गंजे को कि जाओ भाई, अब कोई बाल माल लगाओ, लंदन में फिर जाओ। मुझे तो नहीं बोल रहे? नहीं 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 नहीं, वो गंजे को बोलो। हाँ भाई, क्या है भैया, माह रमजान आ गया और जब भी रमजान आता है अपने साथ बहुत सारी बरकतें लाते हैं और लोगों की जिंदगियों में बरकत बढ़ जाती है, मुनाफाखोरों की भी बरकत बढ़ जाती है, जो पैसा ज़्यादा चार्ज करते हैं बरकत बढ़ जाती है। तो इस वक्त हम मौजूद है कराची के मकबूजा तरीन इलाके सदर में, जहाँ पे जगह जगह देखे कब्जा हुआ। अब ये पीछे अफतारी आधे रोड में बिक रही है, अल्ली वल्ली लोगों से पूछते भाई ये महंगाई का जो जिन है, ये जो चिमड़ गया भाई, बस में ना आ जाना। तेरे घर पहुँच जाऊँ क्या? हर जगह पहुँच जाते हो, हॉर्न बजा रहे। चले जी, आते लोगों से बात करते हैं और महंगाई के बारे में सवाल करते हैं। नसवार क्या किलो है? 250 रुपए का दर्जन है। इसको लगा के झिंगा लाला स्पेस, भाई इलोन मस्क क्या पहुंचाएगा स्पेस में जो ये पहुंचाती है? ये महंगी हो गई है क्या? एक साल से 250 रुपए भाई, इन्फ्लेशन जहाँ पूरे मुल्क में कहाँ से कहाँ पहुंच गई, वहाँ नसवार का रेट वहीं खड़ा हुआ है। क्या बात है भाई। इस वक्त हम मौजूद हैं खुशबू के साथ। वालेकुम सलाम, बहुत प्यारी लग रही है आप। रमजान आ गया है और महंगाई बढ़ गई है, क्या कहना चाहेंगे? बस हमारे वजीर आजम से हमारा यही हुक्म है, जो भी हो सस्ताई करे। हमारे जो गरीब भाई लोग हैं, इफ्तारी नहीं कर सकते, जो मजदूर लोग हैं, जितनी भी हो महंगाई हटा दी जाए। हम खाजा सराए फंक्शन बंदे, शादी बंदे कहाँ जाएं, हम मांग के आप भाइयों से गुजर सफर करते हैं। और हमारे को नौकरियां भी देना चाहिए। नौकरियां बिल्कुल देना चाहिए। आप किस किस्म की नौकरी करना चाहोगे? कोई भी जॉब हो, स्कूल की पट्टे वाली हो, किसी दफ्तर में हो, अपनी मेहनत से खाना कमाना चाहते हैं, लोगों से दूरी, ये मांगना अच्छी बात नहीं लग रही। हमारे वजीर आजम से, बिलावल साहब से यही गुजारिश है। बिलावल साहब वजीर आजम थोड़ी है, ये हमारे सिंध के तो है ना। बड़े सिंध के बड़े हैं बिल्कुल। यही मेहरबानी होगी हम लोगों का, कुछ ना कुछ। चले जी, खुशबू को नौकरी दीजिए। खुशबू इफ्तारी में क्या खाओगी? बस भाई जो नसीब अल्लाह दे दे, रिज़्क आए। चलो अल्लाह खैर करे भाई, बहुत शुक्रिया। आ जाए भाई। अंकल सलाम अलैकुम, महंगाई पे बात करना चाहेंगे थोड़ी सी? बिल्कुल करेंगे। सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? सलाम, रमजान मुबारक आपको। मुबारक हो। और रमजान के साथ साथ माशाल्लाह बरकत आ गई, जो हमारे लूट मार माफिया है अल्लाह इनको भी बरकत देता है। इनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना, आम आदमी तो बहुत बुरी तरह है, बहुत मुश्किल के अंदर है। जिन कम आमदनी वाले हैं वो इतने सिस्टम मुश्किल के अंदर है, ये बता नहीं सकते किस तरीके से अपना वक्त गुजार रहे हैं ये रमजान का। अंकल एक जमाना था फ्रूट चाट बच जाती थी, मोहल्ले में बांटते थे, अब तो अपनी पूरी नहीं हो रही। अपनी पूरी नहीं होती, हकीकत बोल रहे हैं। और जो आधा किलो खरीदते थे तो आधा किलो भी जो है ना मुश्किल हो रहा है। अब लोग पाव पाव पे आ गए हैं, बाकायदा ठेलों पे लिखा होता है पाव पाव मांग के, हमें शर्मिंदा ना करें। अल्लाह करे कोई हल निकल आए इसका, बस यही दुआ कर सकते। क्या हो सकता है इसका हल? बस ये है कि ये हुक्मरानों को चाहिए कुछ करें इसके लिए यार, आवाम के लिए। भाई यही सुनते हैं ना, दुनिया के हर मुल्क में रिलीफ मिलता है, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में सुना है कि वहाँ भी रिलीफ देते हैं। हर नॉन मुस्लिम कंट्री में मैंने देखा है बाकायदा वहाँ रमजान पैकेज लिखे होते हैं, चीजों की प्राइसेस नीचे आती है, यहाँ उल्टा है, क्या वजह? बस देखे ना, ये मुसलमानों की ईमान की कमजोरी है ना, हम लोग सोच नहीं रहे कि मरने के बाद हमें क्या जवाब देना है। हमने तो सुना था रमजान में शैतान कैद हुए, तो यहाँ तो घूम रहे सारे, पीछे घूम रहे सब आजाद हैं। सही है। अफ्तारी ले ली आपने? बस ले ली है, कुछ ले लेंगे थोड़ी बहुत अभी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया और दुआओं में याद रखिएगा। भाई जैसे आप देख रहे हैं फुल रौनक लगी हुई है, दुकान में कम पड़ गया, सड़क पे लगा दिया, ट्रैफिक जाए भाड़ में, समोसा बिकना चाहिए। भाई क्या क्या दाम दे रहे हो समोसे?
समोसा सर 35 रुपए का आलू का, 35 रुपए का एक जी। अरे 35 के दर्जन आते थे? नहीं 35 का नहीं, 30 रुपए का आलू का समोसा। ये चिकन एक बार, ये कैमरा देख के रेट कम हो गए। ये 50-50 में भी आया था, 20 रुपए किलो अंगूर था, 2 रुपए कर दिया था कैमरा देख के, 30 रुपए का है जी। और ये चिकन बारबेक्यू समोसा है 35 रुपए का, ये चीज वाला रोल है 50 रुपए का, खीर वाला रोल, चीज वाला रोल, मैक्रोनी वगैरह होती है इसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारे आइटम होते हैं, चीज होती है, चिकन है, मैक्रोनी है। तास है इसमें, क्या क्या डाल दिया? इसके अंदर बहुत सारी चीजें सर, हाँ इसके अंदर मैक्रोनी भी है, मैक्रोनी भी है, मकरानी है इसमें, सही है भाई साहब, इसमें जबरदस्त। आते भाई आके लेते भाई, गर्मा गर्म समोसे आ गए, और रेट आपने देखा 30 रुपए का एक समोसा, गरीब आदमी क्या खाएगा भाई। भाई आप जैसा कि नोटिस कर रहे हैं, बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं। लोगों की कुव्वत खरीद में यानी परचेजिंग पावर में जाहिर है बहुत फर्क आया है। और आप देख रहे हैं वैसे उमूमन शॉपिंग वाली चीजों में शुरू के रमजानों में आपने देखा है कि रश नहीं होता, वो मार्केटें 10 बजे रोजे के बाद खुलती हैं। मगर ये तो खाने पीने का आइटम है जो कि रोज चलते हैं, लेकिन इतनी गहमा गहमी नहीं है। हालांकि बिल्कुल इफ्तार का टाइम घंटा रह गया खाली, मैंने इतना सन्नाटा कभी नहीं देखा मार्केट में। हालत बहुत ही खराब है, कारोबार एक पैसे का नहीं रहा है। मुझे सिर्फ दुकानदार देख रहे हैं, कोई मैं कस्टमर से वो पूछना चाह रहा था सवाल, मुझे कस्टमर ही नहीं मिल रहा। कोई कस्टमर है ही नहीं ना, दुकान से आपको मिलेगा, पब्लिक ही नहीं है। क्या वजह है? ये वजह है कि ईमानदार जो आए हैं यहाँ पे, इस वजह से ये जो हमारे हुक्मरान है वो बहुत ही अच्छे नेक आदमी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो इस वजह से ये कारोबार आप देख रहे हो कि क्या हालत है, अभी मजीद और आगे जाएगा। यहाँ तो चलने की जगह नहीं होती शाम में। हाँ बिल्कुल, मैं आराम से घूमता हूँ। अभी तो आप लेटते लेटते जाओ, कोई मसला ही नहीं है। तो कैसे ठीक होगा, इतनी महंगाई हो गई है? लोगों का कहना है महंगाई बहुत है। इमरान खान को लेके आए, इमरान खान को वो क्या करेंगे? वो करके दिखाएगा। कोई उनको बोलते है काफिर है, कोई बोलता है ये छोटू है, कोई किसको क्या बोलता है, कोई बोलता है वाबी है, नहीं वो सच्चा आदमी है। हाँ तो उनके दौर में थी महंगाई कम थी? कम थी, कम थी महंगाई, तो इन लोग नहीं बढ़ाई है ना, पीडीएम वालों ने। हाँ पीडीएम वालों ने। तो आप खुश नहीं है उनसे? हम उनसे खुश नहीं सर, हकीकत सच बात है। शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो जो कह रहा हूँ ना मैं कह रहा हूँ ना, शहबाज साहब भले सुने वो कि ये क्या कह रहा है मौलाना साहब। पीछे 35 रुपए का समोसा, 35 रुपए दर्जन आते थे किसी दौरान भाई, हम तो 40 रुपए का समोसा, तो 8 आने का समोसा खाते थे, 8 आने का। सही बात है। हाँ 8 आने हुए समोसे के, तो समझ लो कि भुट्टो उस टाइम पे भुट्टो था, 8 आने की उम्मीद पे जहाँ भुट्टो को बेचारे को अंदर डाला, और इन लोग ने हराई पना शुरू किया, ये 9 सितारे फलाने सितारे, ये सितारे, ये आए वो आए सब आए, सितारा और मेहरून ने सा। हाँ ये हो गया, उसके बाद से फिर 8 आने का समोसा खत्म, 8 आने का समोसा खत्म, सीधा 2 रुपए पे है, 2 रुपए से 5 रुपए पे है, हम 10 पैसे की चाय पीते थे भाई। एक शायर ने कहा है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा वो मेरी शालू। और यहाँ पे है बहुत चालू। ये भी तो है ना। हाँ तो अभी कोई उम्मीद लगती है आपको कि नहीं लगती है? ईमानदारी की बात, आपने सारी जिंदगी इस मुल्क को दी, शहर को दी। मेरी उम्र अभी तकरीबन 71-72 है, सही है, हम इधर के इधर ही है, हमने कुछ नहीं बनाया, ये ईमानदारी की बात, हमारे पास जो था वो भी चले गया। तो फिर अभी आने वाली नस्लों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे ये बच्चे सुन रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं ना कि इमरान खान को किसी तरह भी लेके आओ, क्या अड़ियाले में कूद के निकालेंगे? बिल्कुल कूद के निकालो उसको, जेल से बाहर रहा करो उनको, देखो कैसा काम होता है, काम तो वही करेगा, ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ 10%, 20%, 30% ये सब ऐसे ही चलेगा। सही सही सही। हाँ भाई, अगर समोसे की कीमत कम करनी है तो अड़ियाला में घुसना है लोगों को, बस ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल अंकल, बहुत शुक्रिया, अल्लाह बरकत दे आपके कारोबार को। अभी देखे तो लोग जब भाई कुछ खरीद भी लो तो सारे आ गए यार अंकल से ले लो कुछ। अंकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, कोई कस्टमर नहीं दिख रहा मुझे मार्केट में। कस्टमर तो बहुत है, महंगाई कहाँ है? नहीं है बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह काम तो यार। हम तो अभी खोल नहीं रहे रश की वजह से, रोजे के बाद खोलेंगे, बंद किया हुआ भाई, इतना अच्छा काम है, अब खोलेंगे हम रोजा खोलने के बाद। सुबह से ग्राहकों ने तंग किया हुआ है, तंग किया हुआ है। हाँ हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, इसी चक्कर में। अच्छा अच्छा, अभी इनकी मोटर स्टार्ट नहीं हुई है, वो गुटखा पार्टी नहीं है, गुटखा पार्टी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। गुटखा खाने वाले के मैयत में भी नहीं जाते अपन, पान खाने वाले हैं, पान खाने जी हाँ, शाही चीजें खाते हैं, शाही चीजें खाते हैं, कमलों वाला आइटम नहीं हमारे पास। हाँ गुटके वाले जबरदस्त महंगाई नहीं, काम अल्लाह का, महंगाई है भाई लेकिन काम भी है अल्लाह का शुक्र है। ये सब कहने वाली बातें हैं, और रोने वाला रोता है हमेशा, आपको भी पता है।
पॉजिटिव होने की आदत है ना वो रोएगा, ज्यादा में भी रोता है थोड़े में भी रोता है। अल्लाह ने जो दिया उसका शुक्र है मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई है तो अल्लाह ने रिज़्क रोजी भी दी है, काम भी चल रहा है माशाल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये पॉजिटिविटी चाहिए भाई हमें, मायूसी जो है कुफर है। और भाई से बात करते हैं, भाई लाला क्या टोपी तुम टोपी पहना रहे सबको, भाई सन्नाटा ही सन्नाटा मार्केट में, यहाँ तो चलने की जगह नहीं होती लेकिन बड़ा सन्नाटा है। आ जाए आगे फ्रूट वाली साइड पे, अबे उनका शॉट लेना यार, सलाम कर रहे हैं लोग। वालेकुम सलाम, क्या हाल वाल है, खैर खैरत है, दसवार का क्या रेट चल रहा है? अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वक़्त है सर रमजान शरीफ लावे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में तो पिक देवे। मगर सबसे पहला बात ये जो गजवा और वो गजा और फलस्तीन का जो जुल्म हो रहा है, हमारा को ये होना चाहिए कि मुस्लिम मालिक होना चाहिए, इसका मदद करें, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो दुआ की नियत से हो या माल हो या जानी नियत से हो, बस हमारा ईमान ये है। और सुना अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई के बारे में क्या बोले? महंगाई अल्लाह बस तौफीक दे, फ्रूट हम लोगों ने बिल्कुल बंद किया है, फ्रूट बंद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत महंगा है भाई। नसवार का डीलर कह रहा है महंगा है फ्रूट। हाँ नसवा फ्रूट बहुत महंगा है भाई, गरीब आदमी की वस में नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं। तो इसका क्या इलाज होना चाहिए, क्या हाल होगा? बस इसका इलाज ये बायकॉट करना चाहिए, फ्रूट बायकॉट करना चाहिए 10-15 रोज। फ्रूट वालों ने नसवार का बायकॉट कर दिया फिर? अल्लाह का शुक्र है, हमें खुशी है दुकान बंद कर देगा, मगर जुलम तो नहीं करेगा। नसवार का रेट तो नहीं बढ़ाना? नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह नहीं बढ़ाएगा, फ्री में देगा कोई मांगेगा। बाकी आप इस हुकूमत से खुश है? हम किसी हुकूमत से खुश नहीं है, किसी भी खुश नहीं है, इस वजह से खुश नहीं है कि भाई हमारा कोई रिलीफ नहीं है, न कोई सहूलत है, न बिजली है, न पानी है। आप कौन से इलाके से हो? हम पशीन के। पशीन? हाँ हो। बिजली कितना आता है उधर? माशाल्लाह 24 घंटे में 2 घंटा बिजली आता है, 22 घंटे बिजली नहीं होता है, शुक्र है। क्या बात है। और गांव में कारा पानी पीता है, मीठा पानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बस सरकार जैसे आवाम वैसे हुक्मरान, ये हम लोगों का अमल है, सरकार का गलती नहीं है, कुछ हम लोग भी है यार। कितना वो आदमी है यार, जबरदस्त लाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ना 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 ना, कौन सा न्यूज़ पे आएगा ये? आएगा जियो पे आएगा, आएगा इंशाल्लाह संडे को, इतवार को आएगा ना। बिस्मिल्लाह आते हैं, वापस आते हैं भाई। ये जो है गरीबों का डॉलमेन है, यहाँ से हमने भी एक जमाने में जूते खरीदे हैं, बैग खरीदे हैं, एक पियानो भी खरीदा था, क्या कुछ नहीं मिलता इस गली में, मगर बस वो जाहिर है हर तबके को कवर करना है। क्यों लाला महंगाई इतना बढ़ गया, क्या कहेंगे? और क्या करेंगे, दुनिया को छोड़ेंगे, और कुछ है नहीं। दुनिया को छोड़ दें, क्या करें, मुझे भूख से मारते हैं, क्या करें, छोड़ेंगे नहीं। मैं देख रहा हूँ फ्रूट इतना महंगा है, महंगा है। खाने के काबिल नहीं, क्यों हमारा सिर्फ आला सही है। हाँ। रेट जैसे ज्यादा दिया, हमारा सिर्फ आला सही है, पहली दुनिया में कोई था भी ना, अभी लोग आ गया। तो फ्रूट का क्या बायकॉट करे, क्या करे? इसको ये करे या बंद करे या इसके वो आगे से महंगाई से नरम करो ना। वो कहते पीछे से महंगा मिल रहा है तो मेला आगे से ले लो, आगे से तो मिलता नहीं, उधर से बोल। हाँ। उनके बोल रहे सस्ता का जो है इनको भी हम थप्पड़ मार सकते हैं। रमजान से एक दिन पहले केला जो है 100 रुपए दर्जन था, एक दिन बाद 250 रुपए दर्जन। मजे आपके खाने का मजा आ गया ना। हाँ। जुल्म है ना, गरीब आदमी किधर जाए बाबा, चला गया पाकिस्तान के, छोड़ेगा नहीं क्या करेगा, पाकिस्तान छोड़ के कहाँ जाए, चांद पे जाए, नहीं कोई भीख मांगेगा नहीं क्या करेगा, हालात पूरा मुल्क मांग रहे हैं, ये गरीब मांगेगा ना। अच्छा चलो लाला, मेरे काम है थोड़ा, चलो लाला अल्लाह ख्याल करे। वीडियो देखा मेरा, क्या बात है तेरा, अच्छा जबरदस्त। ये आजकल फ्रूट बड़ा महंगा है, क्या बोलोगे इसके बारे में? अब क्या करें, मजबूरी है, बेचना पड़ता है, समझ गया, गरीबी के लिए। पीछे से महंगा आ रहा है, पीछे से महंगा आ रहा है, ये बात है। मंडी में महंगा मिलता है ना, यहाँ लाना पड़ता है। और लोग कहते हैं जी वो रेट लिस्ट गवर्नमेंट देती है, फ्रूट वाले रेट लिस्ट नहीं फॉलो करते। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ महंगे वो मंडी से महंगा लाना पड़ता है, इधर बेचता है हम लोग। एक दिन पहले रेट अलग था, रमजान आते ही रेट 250 रुपए, 300 रुपए। ये तो मंडी वाले बढ़ाते हैं, इसके बारे में अलग को पता है। मंडी वाले, चलो ख्याल रखो अपना। कुछ होता है इसे, महंगाई कम होगी? हम कोशिश करते हैं, हम लोगों का पैगाम आगे लेके जाते हैं। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा जी, महंगाई ऐसी कैसी रहेगी? फालतू नहीं, लोग झरना निकालते गैस के पास, इलेक्ट्रिक के लिए क्या वहाँ तक, आप बताओ ना, कुछ होता है? हाँ सही बात है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। बट आंटी होता ही है ना, लोग लीडरों के लिए निकलते, अपने काम के लिए नहीं निकलते। नहीं आप लोग आपकी ड्यूटी करते हो, क्योंकि आपका ये काम है इंटरव्यू लेके आगे वो करना, मगर महंगाई कभी भी कम नहीं होगी।
वो जैसी है समय और बढ़ते जाती है। इससे ये कि मैसेज आगे चला जाता है लेकिन जब तक लोग सड़कों पे नहीं आएंगे कभी भी नहीं कम होगी। कितना गाड़ी के आगे लेट जावे, हड़ताल करते, सब कुछ करते, मगर कोई यूज में नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। एक कांदा सुनता है, वो कांदा निकल जाता है। जैसे इलेक्शन के दिनों में इतने लोग जलसे निकालते जुलूस लीडरों के लिए, वो अपने मतलब के लिए निकालते, वो अपने मतलब के लिए निकालते, वो आपके लिए नहीं निकालते। हम पब्लिक के लिए नहीं है, नॉट मी, आप पब्लिक के लिए थोड़ी निकालते। अगर आप गाड़ी के आगे लेट भी जाओगे ना, महंगा वैसे की वैसी रहेगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई उम्मीद है आपको कुछ हो सकता है? नथिंग कैन बी हैपन, नथिंग कैन हैपन। चले आंटी, बहुत सारी दुआएं, ख्याल रखिएगा। चले भाई, आंटी ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है और कुछ नहीं होगा, नथिंग कैन हैपन। लाला, स्ट्रॉबेरी क्या भाव है? 500 रुपए पाओ, 2000 रुपए किलो। 500 रुपए पाओ, 2000 रुपए किलो। ये तो आधी तनख्वाह निकल जाएगी लोगों की। तो क्या करे, पाकिस्तान है, इंडिया थोड़ी है कि रोजे में सस्ता हो जाए। इंडिया में रोजे में सस्ता होता है? लाजमी सस्ता होता है, वहाँ पे गैर मुस्लिम रहते हैं ना, इस वजह से। नहीं नहीं, वहाँ तो बहुत सारे मुस्लिम भी रहते हैं। मगर मुल्क तो गैर मुस्लिम का है ना, ये मुल्क मुसलमान का, इस वजह से महंगाई ज्यादा होता है। आप नहीं हो मुसलमान? हम मुसलमान है, हमारे हुक्मरान थोड़ा जो है ना वहाँ के गुलाम है, हम क्या करें, हमारे वस से बाहर है। तो शहबाज शरीफ ने आके बोला कि 2000 की बेचो? शहबाज शरीफ ने आके नहीं बोला, उसने दस्तखत किया। किस पे, किसके ऊपर किए वो हमारे को पता नहीं है। खुद से बोल रहे हो ऐसे? हाँ, खुद से बोल रहे, बड़े दिल से। कोई ना कोई तो आपका किरदार होगा, मंडी वाले का किरदार होगा, मार्केट वाले का किरदार होगा, आरती का किरदार होगा। यार ये मैं आपको क्या बताऊँ, रोजा है, रोजे से पहले हम 300 रुपए किलो बेच रहे थे, अभी 600 रुपए का बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? रोजे से पहले 250 रुपए का आ रहा था, अभी 550 का आ रहा है, क्यों आ रहा है? पाकिस्तान नहीं है ना, पाकिस्तान में रोजे वाले नहीं रहते, पाकिस्तान में मुसलमान नहीं रहते। अब इंडिया का रेट मालूम करे, हमने सुना शैतान कैद हो जाते हैं, शैतान तो यहाँ, शैतान पाकिस्तान में बंद नहीं होता है, बाकी हर ममालिक में बंद हो जाता है। वहाँ से बंद, यहाँ पे आके बंद करते हैं, वहाँ से यहाँ पे छोड़ जाते हैं, वहाँ पे बंद हो जाते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं उन लोगों को। सही बात है। चलो लाला, ख्याल रखो अपना। ख्याल तो हमने रखा हुआ, आप ही रख दिया अपना ख्याल। चलो जरूर। अंकल क्या बोलेंगे, महंगाई इतनी बढ़ गई है? ये तो हम लोग के नसीब है, हमारा गरीब आवाम की, पाकिस्तानी आवाम की नसीब है कि ये अभी शहबाज शरीफ की बस में भी नहीं है, ये किसी ऐसे बड़े हुक्मरानों की बस में भी नहीं है, क्योंकि ये सारा मामला IMF का है। सही। जब इन्होंने जो है ना इतना कुछ लिया है, इतना कुछ खाया पिया, इतना अयाशिया किया है और कर रहे है, तो ये सारा जो है ना गरीब आदमी के गर्दन पे पाँव रखने के बजाय से और कोई कम नहीं है। बस ये है कि ये ज्यादती है, जैसा इस भाई ने आपको पहले बता दिया है कि रमजान से पहले यही स्ट्रॉबेरी 300 रुपए किलो, लेकिन आप 600 रुपए किलो, अगर ये मंडी से ये लोग इनको इस तरह नहीं मिले फिर क्यों बेचे? अगर मंडी वालों को ये ऊपर वाले नहीं दबाए तो नाजायज टैक्स सूद रिश्वत वगैरह नहीं ले तो ये क्यों दे? लेकिन इस मुल्क के अंदर जो है ना रिश्वतखोरी आम है, जुल्म आम है, छोटे से लेकर ठेले वाले से लेकर सदर जारनेल तक करप्ट है, सर करप्ट है हर जबान। क्यों? कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। आखिर ये जबर करते 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 आखिर यही आवाम उठ के इनकी सीने पर बैठेगा इंशाल्लाह। किसके? ये जालिम हुकमरानों के, ये जो इस वक्त जुल्म कर रहे हैं आवाम पे। 8 अखारिब के पौन सी दूर है, 18 घंटे रक्षा चला रहे, 18 घंटे तब भी रोजी पूरा नहीं होते। इफ्तारी ये लोग घर में अपने बच्चों के साथ सोने के चम्मच के साथ करते हैं, गरीब आदमी रोड पे करते हैं। इसका जवाब देना पड़ेगा, चाहे दुनिया में नहीं, क्या कयामत के दिन तो इनको गिरबान पासे पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। आपने नोटिस किया है कि कई सालों से सड़क पे जो अफ्तार है इसका सिलसिला बढ़ गया, क्योंकि लेने वाला हाथ बढ़ गया है, लेने वाले मजबूर हो गए। हमारा हमें दिल नहीं करता है, मैं रोज़ आप नहीं ले रखूँ किसी और की इफ्तारी के लिए करूँ, लेकिन हमको मजबूर कर दिया। किसने मजबूर कर दिया? इन लोगों ने मजबूर कर दिया। मैं बोलता हूँ इनको शर्म भी नहीं आती, क्या बोल सकते हैं हम, क्योंकि शर्म भी किसी को तो आ जाए। रमजान पे तो शैतान बंद हो जाता है, सर शैतान देखो मिनल जिना थे मिनल जिना थे एक जिना तुम ऐसी शैतान है, एक इंसानों में से शैतान है। हम क्या बोलते हैं, यो वसुवी सूफी सुदोरिना से पनाह मांगता हूँ उन लोगों से जो दिलों में वसवासे डालते हैं, मिनल जिनाते, अगर वो जिनात में से है वो नास, अगर वो इंसानों में से है। आप खुद अंदाजा लगा ले, जिनात तो सीधा सीधा शैतान के तरफ उंगली हो गया, लेकिन इधर इंसान से भी शैतान बन गया का नहीं बना? अल्लाह ताला हम इन शैतानों से पना दे, बस और कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत दुआ है आपके लिए, ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। रमजान है और रमजान आते ही फ्रूट की प्राइस ऐसे ऊपर चली गई, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ, सब इनको पता है क्या हो रहा है। तो गरीब आदमी क्या करे भाई, कुछ नहीं कर सकता। 3 दिन से लोग परेशान है, जहाँ जाओ रेट ऊपर है, इसके रेट अलग है, उसके अलग है।
तो यही परेशानी हो रही है। मैं भी पूछता आ रहा हूँ, हर जगह अलग ही रेट चल रहा है, सब जगह अलग रेट चल रहा है, हम भी यहीं से पूछते हुए आ रहे हैं। ऐसे में गरीब आदमी क्या करे, मतलब तो रमजान तो बोझ ही हो जाता है लोगों के लिए। नहीं, गवर्नमेंट आई है, इनको सोचना चाहिए ना कि हम रमजान पैकेज देंगे, रिलीफ देंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं है, सब वही है, वही सिंध गवर्नमेंट है और वही हम लोग हैं, वही आप लोग हैं। सिंध गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो आ ही जाते हैं, जरूरत ही नहीं है ना उनको, उनको तो आना है, तो उनको क्या जरूरत है ये सब करने की, उनको तो पता है हमने आना ही आना है, ऐसे भी आना आना है, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है। चले ख्याल रखे, अल्लाह आसानियां करे सबके लिए भाई। लाला क्या क्या भाव दे रहा है? 150 रुपए किलो। 150 रुपए, ये रमजान से पहले क्या रेट था? ये रमजान से पहले 130 रुपए, 120 रुपए चल रहा था। अच्छा, रमजान के जब आने की वजह से ना 150 तक। तो रमजान में तो चीजें सस्ती होनी चाहिए, महंगी क्यों हो जाती है? तो मुल्क हालात इसी तरह है ना, मुल्क में जो है ना सही आदमी नहीं है, सारा ठग बैठा हुआ, ठग बैठा है सारा ऊपर जो है, ठग बैठा हुआ। आप जहाँ मंडी से लाते हो आप उनको बोलते नहीं हो, वहाँ परेशान है, वहाँ पे जो है ना परेशानी तो उधर ही है, वहाँ पे महंगा कर देता है हम लोगों को, तो वही दाढ़ी हिसाब है, 1000-1200 सब ले शाम को चला जाओ। अच्छा, हमको तो दाढ़ी देता है। अच्छा, ये ठेले किसी और के हैं? ठेले तो किसी और, बड़े बड़े बैठे हुए एक दो से क्या होता है, 200 ठेले वाले है ना, बहुत बड़े बड़े बैठे हुए। तो ये भी एक साइंस है कि ये ठेले वाले, ये इनके अपने ठेले नहीं है, किसी एक ने पूरा ये पैकेज लिया हुआ है, 200 ठेले खड़े किए हुए, इनको दिहाड़ी पे बिठाया हुआ है और धड़ाधड़ लूट रहे हैं। क्योंकि अगर एक आम बंदा है वो ठेला लेकर यहाँ आके लगा के दिखा दे जरा, भाई आ जाओ ना, अभी बता दो ना, इधर इधर से आए, इधर से नहीं भाई, यार कैमरा सर पे लगाओ फिर बात करूंगा। अरे किसके सर पे, इतनी महंगाई है भाई, कहाँ जाए गरीब आदमी? कहीं नहीं जाए भाई, बस यहीं पे इनके पास बैठे भाई, फ्रूट दे दो, 2-4 फल ले और निकल जाए घर भाई, खरीदने की तो थकत ही नहीं है। तो फल क्या मुफ्त में ले ले? हाँ मुफ्त में ले ले इनसे भाई, सुखराली थोड़ी हमारे ये। मैं संजीदगी से पूछना चाह रहा हूँ, गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये? नहीं, गरीब आदमी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, फ्रूट खास तौर पे जो इफ्तार में अहम चीज है वही हमारी यहाँ महंगी कर दी जाती है। समोसे पकौड़े खा के तो अस्पताल ही जाना इंसान, जो चीज फायदा दे रही है वो चीज आपने महंगी कर दी, तो फिर फायदा मुसलमान होने का? भाई ये तो हमको जो है वो बांटनी चाहिए ये चीज, हुकूमत को सबसे ज्यादा तवज्जो इसके ऊपर देनी चाहिए, लेकिन नहीं भाई तवज्जो देनी ही नहीं। मतलब हुकूमत के बाद शहबाज शरीफ फ्रूट चाट का पतीला बनाए रोजाना बैठ के? हाँ, मीम लगा देना फ्रूट चाट वाला, मीम लगा चलो ओके। भाई इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फ्रूट पे फोकस करे, ये ऑयली चीजें खा के लोग अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। और वैसे हकीकत बात है, रमजान जो है फास्टिंग का महीना है, इसमें तो सेहत अच्छी होनी चाहिए, उल्टा सेहतें खराब हो जाती है क्योंकि लोग ओवर ईट कर रहे होते हैं, लोगों का बजट ऊपर चला जाता है। वैसे माशाल्लाह भाई फ्रूट की वैरायटी बड़ी जबरदस्त है यहाँ पे। लाला इधर लाओ, अरे लाला का वीडियो बनाओ, इधर आओ भाई, इधर आओ लाला, संगे जो कर दी साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या दर्जन है? 200 रुपए दर्जन है। 200 रुपए, 200। रमजान से पहले कितना था ये? रमजान से पहले भी 250-200 था, ऐसे ही था। ये रमजान में फ्रूट महंगा क्यों हो जाता है? ये लोगों का आदत पड़ा है, मंडी वालों का, मंडी वालों का। हाँ ना, और क्या। तो मंडी वालों को आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते कि भैया? शिकायत तो हम नहीं कर सकते, इधर हमारे पीछे लोग लगा हुआ है, इधर वीडियो बनाता है, मंडी में क्यों नहीं बनाता है? मंडी में होना चाहिए, उधर लोग जाए, उधर तो घुसने नहीं देते, नहीं देते तो हम लोगों का कसूर तो नहीं है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जितना कहता है उससे हम लोग सस्ता बेचता है। गरीब लोग आते हैं वो कुछ कहते नहीं है कि भैया इतने पैसे नहीं है, महंगाई सब रो रहे हैं, गरीब नहीं अमीर लोग भी रो रहे हैं, इधर सब रो रहे हैं। मगर चलो लाला, संगे माह रमजान के लिए हर चीज महंगा हो गया, गवर्नमेंट किस चीज पे एक्शन नहीं उठा रहा है? घी हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, ये जुल्म है, क्या है? कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं उठा रहे। चीनी 150 रुपया हो गया, गुड़ 150 रुपया हो गया, चीनी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, नहीं पेट्रोल डीजल को भी सस्ता करे तो हर चीज सस्ता हो जाएगा ना। अल्लाह के हुक्म से हुक्मरानों को हिदायत कर रहे हैं तो हर चीज पर अपना रेट लगाए। लाला रमजान के लिए लाला पूरी दुनिया में रमजान में सेल हो जाती है, चीजें सस्ती हो जाती है, पहले सस्ती होते सहूलत इमरान के बाद आग उठ गई। इमरान खान के टाइम पे महंगाई नहीं थी, महंगाई इमरान ने किया ना सब कुछ, इमरान खान ने किया, इमरान खान के बाद आग चढ़ गया बस मुल्क में। अच्छा, इमरान खान से जो आग उठी है अभी तक आग ठंडा नहीं हुआ। तो आग कौन बुझाएगा? आसिम मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब बुझाएगा, वो सैयद है, अली रसूल वाला थे, सब एक्शन उठाएगा सबको। और चीनी को 50 रुपए, जैसे नवाज शरीफ का दौर था, डीजल पेट्रोल को 50 रुपए लावे, फिर मुल्क सस्ता हो जाएगा, गरीब खाएगा। आप गरीब रो रहे हैं, आपको नवाज शरीफ का दौर याद आ रहा है? नवाज सही थे, वो अच्छा दौर था, वो अच्छा दौर था, उसमें चीजें सस्ती थी, बिल्कुल बिल्कुल, 50 रुपए डीजल था, 50 रुपए पेट्रोल था, 50 रुपए चीनी था, 100-150 रुपए
मुर्गी था 100-150 रुपया, घी था, अब घी 400-500 रुपये हो गया। उस पर जब उस वाले दौर में तो लोग सड़कों पे आके बोलते थे कि महंगाई है, ये लोग बेवकूफ थे। अब जो इनका दादा है, आग लगा दिया पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को जला दिया इमरान खान के बाद, आग ही आग, आग ही आग। आप फैन नहीं हो उनके? नहीं नहीं, वो बस सही नहीं था, वो अच्छा हो गया, जेल में हो गया। आप कह रहे हो अच्छा हो गया जेल में? अच्छा, सारे लोग उसके फैन है, ये तो पकड़ लेंगे आपको। बेवकूफ है, महंगाई है, रोड सड़कों में पड़े हैं, महंगाई हो गया, खाने पीने पे तंग है। ये शहर वाले कुछ गुजारा करे, गाँव वाले बिल्कुल पानी के साथ रोटी खा रहे हैं। इतना जुल्म हो गया, कोई कारखाना नहीं है, कोई मिल नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई गुजारा नहीं है। इमरान खान के बाद ये आग उठी है। हाँ, जब इमरान खान आया, ये सारे ये खान साहब के फैन है, ये झूठ है, ये पकड़ लेंगे आपको। ये बिल्कुल पकड़े मारे, अब सच कहना है, अल्लाह को जान देना है। ये गरीब लोग भूख मर रहे हैं, ये सब इमरान खान के बाद आग उठा। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ ने उठाया, अब तक कोई ठंडाई नहीं हो गया। नवाज शरीफ कुछ करे तो करे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा मुल्क में गरीब पर। अच्छा, आपको नवाज शरीफ से उम्मीद है? बिल्कुल, इंशाल्लाह। मियां साहब सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मियाँ नवाज शरीफ साहब, अल्लाह करे वो आएगा, वो आ तो गए अभी, क्या घर पे हैं, आ तो गए मुल्क में, आ गया, मुल्क में अल्लाह करे आएगा, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएगा, कुछ ना कुछ होगा। पता ही नहीं है, किसी चीज का पता ही नहीं। पहले कह रहे खान साहब के बाद जो है ऐसी आग लगी महंगाई की, फिर बुझ नहीं रही, कह रहे नवाज शरीफ हो जाएंगे। आप ये आप इसे क्यों पूछ रहा है, इसका तो वो मर देगा। मैंने क्यों नहीं पता यार, जवान आदमी है यार, तुम भी किसी चीज। ये क्या कह रहे इमरान खान, क्या है नवाज शरीफ? नहीं अभी क्या कह रहे, क्या हो गया? कह रहे खान साहब के दौर के बाद महंगाई की आग ऐसी बढ़ी कि अब वो आग बुझ नहीं पा रही, नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। अच्छा, पहले कौन सा दौर था? पहले के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं आवाम का। हर बंदा आता रहे, अपने हिसाब से रेट लगाता रहे, अपनी वजारतें चमकाता रहे, आवाम के बारे में अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा। और ना अब हमें उम्मीद है कि कोई आने वाला भी सोचेगा, जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है, ट्रेन ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली, कोई तब्दीली नहीं। सिर्फ नाम चेंज होते हैं, शक्लें चेंज होती हैं, हालात वही के वही रहते हैं। हुकूमत लाओ इस्लामी, इस्लामी हुकूमत लाए, जमात इस्लामी की या कोई भी हो, मौलाना साहब वाली कोई भी हो, इमरान खान को लिया उसको इस्लामी शरीयत दे, बस। इससे कोई सच्चा आदमी नहीं है पूरा पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये नवाज शरीफ गंजे को बोलो, गंजे को कि जाओ भाई, अब कोई बाल माल लगाओ लंदन में, फिर जाओ। मुझे तो नहीं बोल रहे? नहीं 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 नहीं, वो गंजे को बोलो, समझ गया, वो जरदारी नहीं है। हाँ, जरदारी साहब, जरदारी साहब सदर बन गए, क्या बोलेंगे? सदर साहब तो बन गए, इधर कड़े कौन भरेगा? नहीं, ये कराची का कड़े कौन भरेगा इधर? देख, ये कड़ूंगो कराची को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है ना। वो एमकेएम वाला किधर है अभी? 17 सीटें जीते एमकेएम वाले अभी? नहीं, कोई भी नहीं जीता, एक सीट भी नहीं जीता। मैंडेट चोरी हुआ है आप ये कह रहे हो? मैंडेट चोरी हुआ है, आवाम का चोरी हुआ है, सब डाका मार रहा है, ये डाकू लोग है, इनको हटाओ इधर से, बस इस्लामी आपको बतलाओ। तो ऐसे बोलने से तो नहीं होगा ना, आवाम को निकलना पड़ेगा। आवाम क्या कर सकता है, आवाम गरीब, आवाम तो गरीब, जाके घेर ले उनका घर, घेर ले खान साहब, ले आओ खान साहब, ले आओ और कोई लाला, बोलने से थोड़ी, बोलने से तो मैं परिया ले आया। साहब के बगैर नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए। खान साहब थे तो सही, तब क्या था, बहुत कुछ था, उसको करने नहीं दिया, करने नहीं दिया। किसने करने नहीं? अमेरिका ने, बाजवा ने, बाजवा साहब ने करने नहीं दिया। बाजवा ने नहीं दिया उसको, बाजवा और वो दूसरा था क्या नाम है, मौलाना साहब और ये गंजे मंजे सब मिल गए एक दूसरे से, उनको तो करने नहीं दिया। पर्सनल अटैक फील कर रहा हूँ मैं, फ्रंट पर चोर। हाँ, सुनो फजल रहमान साहब जो है ना, फजल रहमान साहब अभी क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को इमरान खान ने इकट्ठा किया, वो बाजवा ने इकट्ठा किया। ये क्या इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, इसको इमरान खान को बंद क्यों किया हुआ है? बहुत सारे केसेस है। किस चीज का केस है? गाड़ी, चलो, गाड़ी चलो, वाला केस तुम है। अल्लाह को जान, तुमने अल्लाह को जान देना है। हाँ हाँ हाँ, आप इधर आके सच के बात करो, वो चोर है। मैं कैसे बोल सकता हूँ? नहीं, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैंने तो चोरी नहीं देखी ना, वो तो जिसने केस किया है वही प्रूफ करे। वो आदमी खाना खाता है या पेट भरा हुआ आदमी? दोनों खाते है, दोनों खाते है। तो उसको चोरी का क्या जरूरत है, इमरान खान चोरी का क्या जरूरत है? वो उनपे केस ही उनके आसपास हुई है ये कह रहे हैं। आसपास हुए मतलब जैसे आप घर के जिम्मेदार हो, आपके घर में ऐसी चीजें हो रही हो, जिम्मेदारी तो आपकी है ना। सिर्फ खान साहब के दौर में हुई है, हर दौर में, किसी दौर में नहीं हुई, हर दौर में हुई है। तो सिर्फ एक घड़ी नजर क्यों आ रही है, बाकी चीजें कहाँ गई? यही बात है ना, सबको नजर एक घड़ी पे ही आ रही है, कुछ मिल ही नहीं रहा। 56,000 अरब कहाँ गया? ये डिस्को जो अभी आया उधर वजीर आला बना,
डिस्को कौन? ये मरियम नवाज, ये क्या डिस्को मॉडल उधर किसी के घर में क्या दे रही है, ये उसको क्या देगा? एक दिन का रोटी दे सकता है? मुझे ये बताइए, खाली शोशा बना रहे उधर जाके, टिकटॉक बना रहे, उसके साथ वीडियो बना के, हाँ बच्चा इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, उधर तो लोगों का हाथ आगे नहीं छोड़ रहा है, और उसका अपना शोर भी किधर है अभी, अपना शोर को तो बोल आगे लाओ बेचारे, वो कहाँ है? चलो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, चलो ख्याल रखो, कार का टाइम चला ना, फिर चलाना, हाँ हाँ इंशाल्लाह चलाना। और इमरान बात सुनो मेरा एक, जो मैं पूरा पाकिस्तान से अपील करता हूँ, इमरान खान को बाहर लाओ, पूरे पाकिस्तान से कह रहे हैं बाहर लेकर आए, हाँ अगर 804 चले जी, वीडियो को इधर ही एंड करते हैं क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला है। अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि और कौन कौन सी मार्केट्स को टच करें, लोगों का फीडबैक आपने सुन लिया, लोग बिल्कुल खुश नहीं है, महंगाई से परेशान है, अफोर्डेबिलिटी से ही दूर हो गया है फ्रूट और बेसिक चीज़ें, सॉरी अंकल। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कमेंट में बताएं अगली कौन सी मार्केट कवर की जाए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और आप सबको भी रमज़ान मुबारक।